नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत, अभिनंदन हमारे इस प्रोग्राम खेल ग्रहों का में। जैसा कि आपको मालूम है, पहले के एपिसोड में आपने देखा होगा कि 11 अक्टूबर 2018 को बृहस्पति तुला राशि से वृश्चिक राशि में आ चुके थे। अब वापस हम बृहस्पति की बात कर रहे हैं कि बृहस्पति सामान्य तौर पर एक राशि पर 13 माह तक रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसी ग्रह परिस्थिति हो रही है कि बृहस्पति बहुत स्पीड में अपनी राशि को विचरण करते हुए 29 मार्च 2019 से 23 अप्रैल 2019 तक लगभग 25 दिन तक अपनी अगली राशि अर्थात धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस 25 दिन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अच्छा और क्या बुरा राशिफल होने वाला है आपकी राशि पर, यह जो हम विश्लेषण कर रहे हैं विशेष रूप से पूर्ण रूप से राशि के आधार पर ही कर रहे हैं, जिसको मून साइन कहा जाता है, जिसको चंद्र कुंडली कहा जाता है, चंद्र कुंडली के आधार पर। और चंद्रमा का अर्थ है आपका दिल और दिमाग। जो कुछ भी आपको अनुभूति होती है, जो कुछ भी आपको सुख या दुख की अनुभूति होती है, वो बाय हार्ट होती है, फीलिंग होती है, मन से होती है। इसलिए चंद्रमा मन का अधिपति है और चंद्रमा पर किस चीज़ का प्रभाव होगा, अच्छा या बुरा प्रभाव होगा, उसका दृष्टिकोण हम गोचर वसात कर रहे हैं, गोचर के आधार पर कर रहे हैं। बृहस्पति हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा असर डालता है। बृहस्पति ग्रह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस, इन चार चीज़ों को कंट्रोल करता है। बृहस्पति शादी के संदर्भ में भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखता है। जब शादी की बात होती है तो शादी के लिए कुंडली मिलाने में भी बृहस्पति की उपयोगिता रहती है। और बृहस्पति की दृष्टि जब लग्न पर, सप्तम भाव पर, संतान भाव पर होगी, तभी शादी के योग उपस्थित होते हैं, तभी शादी के योग बनते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं आपको मेष राशि से मीन राशि तक ज्योतिष के आधार पर, गोचर के आधार पर, चंद्र कुंडली के आधार पर विश्लेषण करके बता रहा हूँ कि आपको क्या मिलने वाला है। एक प्रकार से आप ये ट्रेलर समझ लीजिए कि 5 नवंबर 2019 को बृहस्पति वापस चेंज होकर के धनु राशि में ही आएंगे। तब आपको एक वर्ष तक, लगभग 13 माह तक, मतलब 20 नवंबर 2020 तक ये बृहस्पति आपको क्या प्रदान करेंगे, इसकी झांकी, इसका ट्रेलर, इसकी अनुभूति आपको पहले ही मिलने जा रही है। यह आपके लिए अच्छा है। तो एक बार फिर मैं आपको बतला देता हूं कि 29 मार्च 2019 को बृहस्पति चेंज होंगे, अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 23 अप्रैल को वापस वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। 25 दिन का उनका भ्रमण काल है और इस 25 दिन के भ्रमण काल में आपको क्या मिलेगा, ये बहुत ही छोटा सा समय है, लेकिन यदि आपको पहले पता हो तो आप बहुत कुछ फायदा उठा सकते हैं इस समय का। आइए बात करते हैं मेष राशि पर। तो मेष राशि के जातकों को राशि से नवम स्थान में बृहस्पति का प्रवेश होगा। बृहस्पति अपनी राशि से सेकंड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ और इलेवंथ भावों में अर्थात 2, 5, 7, 9 और 11 धन स्थान, संतान भाव या पंचम भाव, सप्तम भाव ग्रह सुख भाव, नवम भाव भाग्य भाव और इलेवंथ हाउस एकादश भाव अर्थात लाभ भाव, इन पर सबसे ज़्यादा प्रतिफल देते हैं, सबसे ज़्यादा शुभ फल देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, मेष राशि के व्यक्तियों को बृहस्पति राशि से नवम भाव में राशि प्रवेश करेगा। उस प्रवेश से वो बृहस्पति आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे अर्थात चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे और इस दृष्टि से गज केसरी योग का निर्माण होगा। वही बृहस्पति आपके पराक्रम स्थान पर दृष्टि डालेंगे, वही बृहस्पति आपके संतान भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। सबसे पहली बात कि बृहस्पति का भाग्य स्थान में आना अपने आप में अच्छा संकेत है, क्योंकि बृहस्पति धर्म का अधिपति भी है। इस बृहस्पति के प्रवेश से संतान भाव पर दृष्टि जाएगी और साथ ही लग्न पर भी दृष्टि जाएगी। तो जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, जिन व्यक्तियों की सगाई संबंध में अड़चने हैं, वो इस समय का फायदा उठा सकते हैं। इस समय काल में आपका शादी विवाह, सगाई, ये सब होने के योग बहुत प्रबल हैं। या मान लीजिए आप ये सोच रहे हैं कि शादी हमको करनी है, 5 नवंबर तक वेट नहीं कर सकते, तब ये जो समय काल है 25 दिन में, इसमें भी विवाह के मुहूर्त हैं, उस मुहूर्त का फायदा उठा सकते हैं। उस मुहूर्त के अंदर आप विवाह कर सकते हैं, सगाई संबंध कर सकते हैं, शुभ कार्य कर सकते हैं। जब बृहस्पति के लग्न पर दृष्टि है तो आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, अध्यात्म में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी,
आपकी अनुभूतियों में वृद्धि होगी। धीर गंभीर और संस्कारी विचारधारा आपकी पनपेगी। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि आपकी कुंडली पराक्रम भाव पर है, तो पराक्रम आपका बढ़ेगा। अपने छोटे भाई बहनों से आपका मेल मिलाप और बढ़ेगा, सम्मान और मिलेगा, उनका स्नेह अपनत्व आपको मिलेगा, उनसे सामंजस्य आपका अच्छा बैठेगा। ठीक थर्ड हाउस साथ में यात्राओं का भी है, तो उसके साथ में आपके बाहुबल का भी है, आपकी स्ट्रेंथ का भी है, आपकी गुडविल का भी है। तो ऐसे समय में ये जो छोटा सा समय काल है उसमें आपको नेम फेम, आपकी बाहुबल में वृद्धि, आपकी गुडविल में वृद्धि, नेम फेम में वृद्धि होना निश्चित है। इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और जो पॉलिटिक्स में हैं, जो राजनीति क्षेत्र में अभी हैं, यदि उनकी मेष राशि है तो उनको बहुत अच्छा प्रतिफल, बहुत अच्छा प्रसाद मिलने वाला है। आपको बहुत अच्छे मार्जिन से सफलता मिल सकती है, या मैं ये बोल सकता हूँ कि आप दूसरों पर हावी हो सकते हैं। ये समय काल आपको उसमें फ़ायदा देने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि संतान भाव पर भी है, विद्या भाव पर है, शिक्षा भाव पर है। तब ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट मेष राशि के हैं उनको इस एग्ज़ाम में 29 मार्च से लगा करके 23 अप्रैल के बीच में यदि कोई एग्ज़ाम होने वाले हैं, यदि कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम होने वाले हैं, यदि कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलने वाला है, तब ऐसी सिचुएशन में यह समय काल आपको उपयोगी रहेगा, सफलता देगा, गेन देगा, सक्सेस देगा। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि के जातकों को बृहस्पति का राशि परिवर्तन राशि से अष्टम भाव में होगा। तो बृहस्पति के राशि से अष्टम भाव में जाने से जो पहले से जो स्थितियां अनुकूल चल रही थी उनमें व्यवधान आएगा। 11 अक्टूबर 2018 को जब बृहस्पति चेंज हुआ था तो बृहस्पति पहले से जो नेगेटिव परिस्थितियां चल रही थी उनमें सुधार का संकेत आया। जो आपने अभी समय देखा पिछले 3-4 महीने में वो काफ़ी बेटर टाइम पीरियड देखा, और अब जाकर के वापस एक छोटा सा पीरियड जो आने वाला है वो वापस प्रतिकूल परिस्थितियों को जन्म देगा। वापस जो काम आपके सुचारू ढंग से चल रहे थे, बहुत इजी सक्सेस मिल रही थी, बहुत इजी गोइंग हो रहा था, स्मूथनेस चल रही थी, उसमें ऑब्स्टेकल्स आने का काम हो जाएगा, उसमें हर चीज़ लिंगर ऑन होने का काम आ जाएगा। और स्पेशली जो फाइनेंशियल जो सिचुएशंस है, फाइनेंशियल काम है, जो आर्थिक परिस्थितियों से रिलेटेड काम है, उनमें जरूर संकोच ज़्यादा होगा, प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी, या आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल वरीज पैदा हो जाएंगी कि ऐसी सिचुएशन में इसको कैसे मेंटेन किया जाएगा। बृहस्पति राशि में अष्टम आने से, 8th हाउस में राशि से आने से उस बृहस्पति की दृष्टि 12th हाउस पर, 2nd हाउस पर और 4th हाउस पर पड़ेगी। तो 12th हाउस एक्सपेंसेस का है, अपयश का है, अपमान का है, कोर्ट कचहरी का, वाद विवाद का है, सब मिलाकर के नाश का है। तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि होती है वहाँ जाकर के, या वहाँ बृहस्पति दृष्टि डाल करके 12th हाउस में अपमान अपयश की स्थिति को नियंत्रित करेगा, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेगा, और जो कोर्ट कचहरी की समस्याएं हो सकती है, जो वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, जो प्रतिकूल ज़्यादा हो सकता है, और 12th हाउस को बंधन भी बोला जाता है, जेल यात्रा भी 12th हाउस से देखी जाती है, तो उस सिचुएशन में कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा। तो जिन व्यक्तियों की वृष राशि है उन व्यक्तियों को ऐसे समय काल में इस 29 मार्च 2019 से 23 अप्रैल तक जरूर सावधान ज़्यादा रहना चाहिए, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए, और साथ में अपने कार्यकलापों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब बृहस्पति की दृष्टि 2nd हाउस पर है। 2nd हाउस धन का है, 2nd हाउस वाणी का है, 2nd हाउस ससुराल से धन प्राप्ति का है, पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ का भी है। तो यदि कोई ऐसा वाद विवाद चल रहा है जिसमें बंटवारे की बात है, पेरेंटल प्रॉपर्टी की बातें हैं, तो आप उसमें जरूर अच्छा प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं, बहुत अच्छा गेन प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों के मुकाबले आपकी स्थिति बेटर हो सकती है। ससुराल से धन मिल सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल सकती है, तो फाइनेंशियल एसेट में भी वृद्धि हो सकती है इस बृहस्पति के परिणाम स्वरूप। अब बृहस्पति की दृष्टि कुंडली में 4th हाउस पर है। 4th हाउस को माता का स्थान बोला जाता है, माता का सुख देने वाला स्थान है, भूमि भवन वाहन है, और जो पर्सनल लाइफ का सुख है वो 4th हाउस से देखा जाता है। तो बृहस्पति की अनुकूल दृष्टि 4th हाउस पे होने से माता का सुख बढ़ेगा, ठीक, माता प्रसन्न रहेगी, या यदि माता आपके साथ में नहीं रहती है तो उनका आगमन आपके घर पर होगा, और वो जो समय काल है वो बहुत अच्छा प्रसन्नता से व्यतीत होगा।
जो कुछ भी डील्स चल रही थी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, भूमि भवन की, वो जो आनाकानी हो रही थी वो इस समय काल में फाइनल हो सकती है। आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा या ज़्यादा अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो करके वो सिचुएशन कंट्रोल हो सकती है, नियंत्रित हो सकती है। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि, तो मिथुन राशि को राशि से सेवंथ हाउस में बृहस्पति का प्रवेश हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया, राशि से सेकंड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ और इलेवंथ, जब जब भी बृहस्पति इस भाव में प्रवेश करेगा आपको बृहस्पति शुभ फल प्रदान करेगा। बृहस्पति सेवंथ हाउस में आकर के ग्रस्त सुख में वृद्धि करेगा, दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेगा, साझेदारी में फायदा दिलाने का काम करेगा, या ये बोल सकते हैं कि सामंजस्य को अच्छा कर देगा आपके पार्टनर्स के साथ में। बृहस्पति की दृष्टि सदैव शुभ फल देती है और ग्रहों की दृष्टि में ही अमृत या विष छुपा हुआ है। कोई भी ग्रह जिस भाव में स्थित है उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट, उससे ज़्यादा प्रभावशाली रिजल्ट उसकी दृष्टि से होता है। तो बृहस्पति की आपकी राशि से सेवंथ हाउस में दृष्टि से, सेवंथ हाउस में प्रवेश से उसकी दृष्टि आय भाव पर, मतलब इनकम पर, आपके खुद के लग्न पर और साथ में पराक्रम भाव पर पड़ेगी। बृहस्पति की दृष्टि जिस जिस भाव पर पड़ेगी उस भाव का विशेष फल आपको मिलेगा, उसका विशेष गेन, उसका शुभ फल, उसकी सक्सेस आपको मिलेगी। तो बृहस्पति उस भाव में है जिस भाव में शनि पहले से ही है, तो शनि राशि से सेवंत स्थान में है, बृहस्पति भी राशि से सेवंत भाव में है। तो ये बृहस्पति वहाँ आकर के अपनी खुद की राशि में आकर के और विशेषकर मूल त्रिकोण राशि में आकर के और ज़्यादा विशेष फल देने की स्थिति में आ जाता है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके बाकी सभी ग्रह दो दो राशि को नियंत्रित करते हैं, दो दो राशि को कंट्रोल करते हैं, उसमें से एक राशि मूल त्रिकोण राशि होती है। ठीक, जैसे कि मंगल, मंगल की मेष राशि मूल त्रिकोण राशि है, बृहस्पति की धनु राशि मूल त्रिकोण राशि है, बुध की कन्या राशि मूल त्रिकोण राशि है, शनि की कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है। इस ढंग से कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में आकर के सबसे ज़्यादा बलवान बन जाता है और यों भी बृहस्पति केंद्र और त्रिकोण में आकर के और ज़्यादा अच्छा फल देता है। बृहस्पति राशि से सेवंत आकर के गजकेसरी योग का निर्माण भी करता है। साथ ही साथ बृहस्पति इस सिचुएशन में यदि आपकी शादी होने वाली है तो आपको बहुत अच्छा प्रतिफल देगी, और शादी नहीं हो पाई है तो यह समय शादी फिक्स हो जाने का है, सगाई संबंध फाइनल हो जाने का है, आपका जीवन साथी निश्चित हो जाने वाला है कि आपकी शादी किसके साथ में होने वाली है। शादी का मुहूर्त, जैसा कि मान लीजिए बृहस्पति जब धनु राशि में आएगा तब शादी का मुहूर्त निकलेगा, तब वो 5 नवंबर 2019 के बाद की स्थिति आ जाएगी। लेकिन इस सिचुएशन में जब बृहस्पति टेम्परेरी अतिचारी होकर के सिर्फ 25 दिन के लिए धनु राशि में आया है, उस समय भी विवाह के मुहूर्त हैं, उस समय भी शुभ कार्य के मुहूर्त हैं जो पंचांग में स्पष्ट है, तो शादी ब्याह, आपका विवाह फंक्शन इस दौरान भी हो सकता है। ये समय जरूर छोटा सा है, 25 दिन का है, लेकिन इसमें भी आप अपना काम कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त का फायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि 11th हाउस पर है। 11th हाउस का अर्थ एप्रिसिएशन, गेन, आपके कर्मों में सक्सेस, जो आपने काम किया है, जो आपने एफर्ट किया है। और हमेशा आप ज्योतिष देख लीजिए कि हर एक के बाद में दूसरा क्रम उसके प्रतिफल का ही है। जब आप 5th हाउस का रिजल्ट लेंगे तो उसका नेक्स्ट रिजल्ट 6th हाउस ही होगा। 5वां अगर शिक्षा का है तो 6ठा अगर कंपटीशन का है, 10th हाउस कर्म का है तो 11th हाउस लाभ का है। लाभ के ठीक बाद में अगला स्थान खर्च का, एक्सपेंसेस का है। आप पैसा कमाएंगे तभी तो खर्च करेंगे। तो 11th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि, जहाँ पर कि उसका मित्र राशि का स्थान है अर्थात मेष राशि है, इस स्थिति में बृहस्पति आपको लाभ देगा, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पर फायदा देगा। बृहस्पति शुभ कार्य का फल ज़्यादा देता है, बृहस्पति धार्मिकता देता है, बृहस्पति आपकी धार्मिक यात्राएं करवा सकता है, और बृहस्पति सबसे ज़्यादा संतान पर एक्सपेंसेस करा देता है, चाहे वो शिक्षा पर हो, संतान की शादी ब्याह पर हो, संतान के और किसी काम और किसी कार्य पर हो सकता है, जैसे संतान की संतान प्राप्त होने वाली है उस पर जो खर्च होगा वो भी शुभ खर्च ही माना जाएगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की सप्तम दृष्टि। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर है। आपकी राशि पर होने से आपके अंदर गंभीरता,
संस्कार, विचारधारा, आध्यात्मिकता में रुचि और ज्ञान में वृद्धि की स्थिति आएगी। फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा गेन वाली स्थिति इस सिचुएशन में बनेगी, क्योंकि बृहस्पति का अर्थ फाइनेंस है, बृहस्पति का अर्थ ट्रेनिंग है, बृहस्पति का अर्थ कंसल्टेंसी है, बृहस्पति का अर्थ धार्मिक परामर्श है, बृहस्पति का अर्थ पूजा पाठ कर्म क्षेत्र है, और बृहस्पति का अर्थ कंसल्टेंसी के साथ में ट्रेनिंग, फाइनेंस या कन्फेशनरी आइटम भी है। इनसे रिलेटेड जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, मिथुन राशि व्यक्ति, उनको बहुत अच्छा प्रतिफल, बहुत अच्छी सक्सेस, बहुत अच्छा गेन मिलने के योग हैं। अब बृहस्पति की नाइन्थ दृष्टि, जो विशेष दृष्टि है, वो पराक्रम भाव पर पड़ रही है। पराक्रम का अर्थ आपके नेम फेम, आपकी गुडविल, आपकी रेपुटेशन, आपकी स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी, आपका प्रभाव और ज़्यादा फैलेगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो साथ साथ में आपका सर्कल भी बड़ा होगा। जो आपके अंडर काम करने वाले व्यक्ति हैं वो आपको बेटर रेस्पॉन्ड करेंगे। अपने छोटे भाई बहनों से आपका अच्छा समझ से बैठेगा, स्नेह अपने तो मिलेगा, आप भी उनकी तरफ बहुत अच्छे ढंग से उनके लिए काम कर पाएंगे, तो वो भी आपको उतना ही मान सम्मान देंगे। और बृहस्पति की दृष्टि इस विशेष परिस्थिति में इलेवंथ हाउस पर भी है, तो इलेवंथ हाउस बड़ा भाई का भी बोला जाता है। आपके संतान की पुत्र वधू या आपके दामाद है, उनका भी इलेवंथ हाउस ही होता है, तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ से भी आपको अच्छा सक्सेस रेट मिल सकती है, बहुत अच्छा प्रतिफल मिल सकता है, बहुत मान सम्मान मिल सकता है, अप्रिसिएशन मिल सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। राशि से सिक्स हाउस में बृहस्पति का राशि प्रवेश हुआ है। 29 मार्च 2019 को बृहस्पति वृश्चिक राशि से आगे बढ़ करके अतिचारी होकर के, क्योंकि बृहस्पति सामान्य तौर पर एक राशि पर 13 माह तक रहते हैं, लेकिन इस बार ग्रहों की परिस्थितियां कुछ अलग प्रकार की है, इसलिए बृहस्पति बहुत स्पीड में तेजी से चलते हुए एक राशि को मात्र 3-4 महीनों में ही पार कर गए हैं। तो 29 मार्च से लगा करके 23 अप्रैल तक बृहस्पति धनु राशि में रहेंगे। इस धनु राशि में बृहस्पति का 25 दिन का कार्यकाल आपको क्या परिणाम देगा, यही उद्देश्य हमारे इस प्रोग्राम का, यही बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। राशि से सिक्स बृहस्पति सिक्स हाउस को रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद, इन सब चीज़ से जोड़ा जाता है, सेक्रीफाइस से जोड़ा जाता है, अभावों से जोड़ा जाता है। साथ ही साथ बृहस्पति ननिहाल का सुख देने का काम भी करता है, क्योंकि सिक्स हाउस ननिहाल का भी है। तो सिक्स हाउस पर बृहस्पति आने से उसकी दृष्टि आपकी राशि से कर्म भाव पर, आपकी राशि से नाश भाव पर, ट्वेल्थ हाउस पर, और आपकी राशि से सेकेंड हाउस पर पड़ेगी। जैसा कि आपको मालूम है, आप अभी तक सुन चुके हैं कि बृहस्पति की दृष्टि में शुभता है, बृहस्पति की दृष्टि में कल्याण है, बृहस्पति की दृष्टि पॉजिटिव होती है, तो उसके कारण बृहस्पति की जो सिचुएशन है वो जरूर सिक्स हाउस में, उसको आप अच्छा नहीं बोल सकते, उसको आप बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं बोल सकते, शुभ फल देने वाली स्थिति नहीं बोल सकते, लेकिन बृहस्पति स्वयं अपनी राशि का है, मूल त्रिकोण राशि का है, ये जरूर बहुत अच्छी बात है। तो बृहस्पति की दृष्टि के फलस्वरूप जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है वहाँ पे जरूर आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी, वहाँ पे जरूर आपको सक्सेस मिलेगी, आपका काम में मन लगेगा और नए नए आइडिया से आप और आगे बढ़ने की ओर प्रवृत्त होंगे। बृहस्पति टेंथ हाउस पर जब होता है तब व्यक्ति को फाइनेंशियली निर्णय लेने की क्षमता ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। यदि कोई इन्वेस्टमेंट से संबंधित आपका काम है या आपने कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रखी है, कमोडिटी मार्केट में हो, ठीक, चाहे शेयर्स में हो, चाहे डिबेंचर्स में हो, चाहे बॉन्ड में हो, गोल्ड में हो, सिल्वर में हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आपने सोच रखा है वो इस समय आपको बहुत अच्छे ढंग से आइडिया देगा, बहुत अच्छी सक्सेस रेट दे सकता है, बहुत अच्छा गेन दे सकता है। बृहस्पति का सबसे अच्छा फायदा बुद्धि पर पड़ता है, वाणी पर पड़ता है, आपके मनोभावों पर पड़ता है, और सबसे अच्छा कि बृहस्पति सामाजिक कार्यों को सबसे ज़्यादा बल प्रदान करता है। अब बात करते हैं बृहस्पति की सेवंथ दृष्टि। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि कुंडली में ट्वेल्थ हाउस पर है। ट्वेल्थ हाउस जो कि अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, एक्सपेंसेस, फालतू यात्राएँ या जो कुछ भी आपके लाइफ में नेगेटिव हो सकता है वो ट्वेल्थ हाउस से जोड़ते हैं। तो बृहस्पति वहाँ दृष्टि डाल करके उन सब सिचुएशन को कंट्रोल करने का काम भी करेगा। ये आपके लिए अच्छी है कि जो वेस्टेज होने वाली मनी है वो रुक जाएगी, उसमें कमी आएगी, एक्सपेंसेस आपके कंट्रोल रहेंगे, अपमान अपयश अगर कहीं कोई शंका है होने वाली है उससे ज़रूर आपको सांत्वना मिलेगी या
आपकी रक्षा होगी ये कहा जा सकता है। अब बात करते हैं बृहस्पति की नाइन्थ दृष्टि से, वो सेकेंड हाउस पर दृष्टि पड़ रही है। सेकेंड हाउस है फाइनेंशियली गेन का, धन और संपत्ति का, खानदान का, ससुराल का, और सबसे बड़ी चीज़ कि जो आप इनकम करते हैं उसके इन्वेस्टमेंट का, जो आपकी संपत्ति बनती है। संपत्ति ऐसे ही बन सकती है, या तो पेरेंटल संपत्ति मिले या आप खुद संपत्ति बनाएं। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो समय काल है 25 दिन का, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा प्रतिफल दे सकता है, अच्छा आपको गेन दे सकता है, अच्छी सक्सेस दे सकता है। इसलिए सोच समझ कर यदि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो आपने एज्यूम किया, जो आप एक्सपेक्ट करेंगे, उससे ज़्यादा बेटर गेन आपको मिल सकता है। ससुराल से संबंध अच्छे बनेंगे तो साथ ही साथ आपके घर वालों से, खानदान वालों से भी संबंध अच्छे बनेंगे, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है कि बृहस्पति कुंडली में सिक्स हाउस में आए हैं, तो सिक्स हाउस रोग का है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी हेल्थ पर, अपने पेट और आंतों पर, आपको पेनक्रियाज पर, और जो व्यक्ति डायबिटिक हैं उनको जरूर से ज़्यादा अपनी हेल्थ पर कंट्रोल रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आइए विश्लेषण करते हैं सिंह राशि का। राशि से फिफ्थ हाउस में बृहस्पति का राशि प्रवेश हुआ है, जो कि बहुत ही उत्तम है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, और जो कि आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस देने की स्थिति में है। क्योंकि बृहस्पति फिफ्थ हाउस में आकर के, वो भी अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि और आपकी राशि कुंडली में भी त्रिकोण भाव पर फिफ्थ हाउस पर, फिफ्थ हाउस जो कि संतान का है, फिफ्थ हाउस जो कि विद्या का है, एजुकेशन का है, एप्लीकेशन का है, आपकी बुकिश नॉलेज का है, बुद्धिबल का है, उस स्थान में आकर के उस स्थान की वृद्धि तो करेगा ही करेगा। जिन व्यक्तियों को संतान नहीं है, संतान के लिए प्रयासशील है, वो व्यक्ति इस समय यदि मेडिकली एड लेते हैं या कोई भी ऐसा डॉक्टरी संबंधी सलाह लेकर के उपक्रम करते हैं, तो उस संबंध में संतान का योग आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, सफलता देगा। मेरे कहने का अर्थ यहाँ पर है कि जिन व्यक्तियों को मेडिकल एड के बाद भी, डॉक्टरी सलाह के बाद में भी संतान नहीं हो रही है, वो जरूर डॉक्टर से परामर्श करके IVF करना है या और कोई भी क्रिया से संतान प्राप्त हो सकती है। वो यदि प्रयास करें तो इस समय काल में सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ जाती है। जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो भी इस समय एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे वो कॉलेज में हैं, चाहे वो स्कूल में हैं, वो चाहे वो MBA का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो अपने देश में हैं, चाहे फॉरेन में हैं, यदि उनकी राशि सिंह राशि है तो उनको इस वर्ष, जो ये टाइम पीरियड मैं बता रहा हूँ 29 मार्च 2019 से लगा करके 23 अप्रैल 2019 तक, यदि कोई एग्ज़ाम होते हैं, यदि कोई कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, तो आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, जो आपने सोचा है उससे ज़्यादा। यदि कोई स्विच ओवर करने की और अग्रसर हैं, सोच रहे हैं मुझे नौकरी चेंज करनी चाहिए, बहुत टाइम हो गया और यहाँ पे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, वो भी इस समय एफर्ट करें तो उनको जॉब चेंज करने के, जॉब स्विच करने के आसार बनेंगे, उनको सक्सेस मिलेगी। अब बृहस्पति की दृष्टि कुंडली में भाग्य स्थान पर है, भाग्य का फल आपको मिलेगा, आप भाग्यशाली कहे जाएंगे। भाग्य बलवान होने से क्या होता है, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं, जो आप सफलता चाहते हैं, उसमें आपको सपोर्ट मिलता है, उसमें स्मूथनेस आती है, उसमें आपको दूसरों की भी मदद मिल जाती है। नाइन्थ हाउस धर्म का भी है, नाइन्थ हाउस भाग्य का भी है, और नाइन्थ हाउस आपके बुद्धि बल से पैसे कमाने के लिए भाग्य का सहयोग पर भी निर्भर करता है। तो सबसे पहली बात, जो व्यक्ति जीवित है उसी का भाग्य ही बलवान होगा, जो व्यक्ति में बुद्धि है वो उसका फ़ायदा, वो उसका लाभ और उठा सकता है। भाग्य तो हर किसी व्यक्ति के साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन वो भाग्य के अनुसार कितना कार्य कर पाता है तब उसको भाग्य का फल ज़्यादा मिल सकता है, कहने का अर्थ यहाँ पर यह है। अब बृहस्पति संतान से संतान भाव पर दृष्टि, अर्थात नाइन्थ हाउस संतान से संतान का भी, आपके पुत्रों का भी है, आपकी पोतियों का भी है, आपके नाती और दोइत्र का भी है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने नाती पोते मिलने की संभावनाएं भी इस समय है। यदि आपके घर में एक्सपेक्टेड है तो ये सिचुएशन आपके लिए और ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं 11th हाउस की। राशि से 7th दृष्टि 11th हाउस पर है, वहाँ पर आय, लाभ और यश की स्थिति है। जो भी आप एफर्ट करेंगे उसमें आपको गेन मिलेगा, ये समय काल में आपको सक्सेस रेट ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस समय काल में अपने दामाद से या अपने पुत्र वधू से संबंध अच्छे होंगे, सामंजस्य बैठेगा, सुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा।
यदि आप शादी की और अग्रसर हैं, शादी करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छी शादी होने का है। इस समय में जो आप चाहते हैं उससे बेटर रिजल्ट आपको शादी के संदर्भ में मिलेंगे। यदि आपने सोचा है मुझे इतनी ग्रांड शादी करनी है या बहुत अच्छे ढंग से शादी करनी है, तो सारा सिस्टम इस ढंग से मैनेज हो जाएगा कि जो आपने सोचा नहीं उससे ज़्यादा अच्छी शादी आपकी हो जाएगी, अच्छे बेटर अरेंजमेंट हो जाएंगे, ज़्यादा खुशी प्राप्त होगी और ज़्यादा आपको यश प्राप्त होगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की 9th दृष्टि की। तो बृहस्पति की 9th दृष्टि आपकी खुद की राशि पर है और इस सिचुएशन से एक योग का निर्माण होता है जिसे गजकेसरी योग कहा जाता है। बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर होने से आपकी बुद्धि बल में वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपका खुद का बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और आप बहुत अच्छे ढंग से बोलने वाले वक्ता हो सकते हैं। यदि कोई इंटरव्यू आप देना चाहते हैं, यदि कहीं पे मीटिंग करना चाहते हैं, जो राजनीति में हैं उन व्यक्तियों को बहुत अच्छा समय ये समय में फ़ायदा मिलेगा, बहुत अच्छी सफलता मिलने के योग है। यदि वो अपनी कुंडली लेकर के किसी भी विद्वान ज्योतिषी के पास में जाएं, तो ये समय काल फ़ायदा उठाने का है। इसमें क्या उपाय करने चाहिए, आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में बृहस्पति कहाँ है, कितनी डिग्री का है, कौन से भाव में है और किन ग्रहों की दृष्टि फल में उसका निर्णय होने वाला है, आपको दशा क्या चल रही है, ये सब कुछ की गणना होने पर आपके लिए और ज़्यादा सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। गोचर के आधार पर मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि यह समय आपके विजयी होने का है। इसको आप ध्यान से समय को परखिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के व्यक्तियों को राशि से 4th हाउस में बृहस्पति का प्रवेश हुआ है। बृहस्पति 4th हाउस का अर्थ यहाँ पर है माता, भूमि, भवन, वाहन, जो सुख है 4th हाउस सुख है 4th हाउस का, अर्थात आपका हार्ट। तो बृहस्पति वहाँ पर आकर के आपको शारीरिक तौर पर उतना परेशान नहीं करेगा, लेकिन मानसिक तौर पर बेचैनी जरूर देगा। घर गृहस्थी में जो वातावरण है वो जरूर खराब हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 8th हाउस पर और साथ में 12th हाउस पर भी है, क्योंकि 5वीं दृष्टि कुंडली में 8th हाउस पर है और 9वीं दृष्टि कुंडली में 12th हाउस पर है। 7वीं दृष्टि जरूर अच्छी है जो कि कुंडली में 10th हाउस पर है, 10th हाउस अर्थात कर्म। यहाँ पर एक चीज़ विशेष देखने की है कि बृहस्पति 2 केंद्र का अधिपति होकर के केंद्र में ही है, सिर्फ लग्नेश नहीं है। लग्नेश जब होता है तो उसे केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है, वरना ऐसी स्थिति में बृहस्पति यहाँ पर दूषित माना जाएगा। केंद्राधिपति दोष से यहाँ पर उसका परिणाम जरूर नेगेटिव की ओर, या ये बोल सकते हैं सामान्य से कम फल देने वाला माना जाएगा। तो बृहस्पति 4th हाउस में होने से, और एक सिद्धांत यहाँ पर काम करता है कि बृहस्पति जिस भाव में होता है उस भाव का फल नहीं देता है, बृहस्पति जहाँ देखता है उस भाव का फल जरूर शुभ देता है। तो बृहस्पति यहाँ पर 4th हाउस में बैठ करके भूमि, वन, वाहन संबंधित सुख नहीं देगा, माता के सुख में कमी करेगा, माता को स्वास्थ्य से बीमार कर सकता है या आपसी सामंजस्य बिगड़ सकता है, कहासुनी हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं। आप उनके जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी उनका प्रिंसिपल है, जो भी उनके व्यूज़ हैं, उनसे हो सकता है आप उस पर अपना मत पॉजिटिव नहीं रखते हों, ये हो सकता है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि 8th हाउस पर है, 8th हाउस का मतलब एक्सीडेंट है, 8th हाउस का मतलब अनएक्सपेक्टेड जो प्रॉब्लम होती है वो वाली है। तो ऐसी स्थिति में जिन व्यक्तियों को पाइल्स की प्रॉब्लम है उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। जिन स्त्रियों को अभी गर्भ है या जो स्त्रियां गर्भवती हैं उनको जरूर बहुत ज़्यादा केयरफुल, बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा हेल्थ प्रॉब्लम होकर के प्रॉब्लम बढ़ सकती है, प्रॉब्लम संतान की जीवन पर बात आ सकती है। ऐसा होगा नहीं, लेकिन सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि एक बार प्रॉब्लम होने पर आपको उतना पूरा समय निकालना बहुत ही ज़्यादा कष्टप्रद हो सकता है। अब बात करते हैं बृहस्पति की 7th दृष्टि। 7वीं दृष्टि कुंडली में 10th हाउस पर है, 10th हाउस का अर्थ है यहाँ पर कर्म। जो भी व्यक्ति
जो ट्रेडिंग से काम कर, ट्रेडिंग का कार्य व्यवसाय करते हैं, कागज का कार्य व्यवसाय करते हैं, प्रिंटिंग से संबंधित काम करते हैं, पब्लिकेशन से संबंधित काम कर सकते हैं, या फाइनेंस कंपनी से संबंधित काम करते हैं, उन व्यक्तियों को बहुत अच्छा गेन मिलने के योग हैं, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनको मिलेगा। जो भी उनका वर्किंग एनवायरमेंट है, वो वर्किंग एनवायरमेंट में उनको एप्रिसिएशन मिलेगा, गेन मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, और साथ ही साथ सम्मान मिलेगा, उनकी टीम बहुत अच्छा काम करेगी, या आप बहुत अच्छा स्कोप देंगे, आप बहुत अच्छा रेस्पॉन्स करेंगे, ये मैं बोल सकता हूँ। अब बात करते हैं बृहस्पति की नाइन्थ जस्ती। बृहस्पति की नाइन्थ जस्ती कुंडली में ट्वेल्थ हाउस पर है। ट्वेल्थ हाउस के बारे में मैंने आपको पहले भी बतलाया है कि कुंडली में ट्वेल्थ हाउस अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, रोग, एक्सटेंट, एक्सपेंसेज, नाश, फालतू की यात्राएँ, इन सब से संबंध रखता है। तो बृहस्पति वहाँ दृष्टि डाल करके एक्सपेंसेज में वृद्धि कर सकता है, फाइनेंशियली गेन की जगह फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। जो इन्वेस्टमेंट अभी आपने किए या जो इन्वेस्टमेंट अभी निकालने के बारे में आप सोच रहे हैं, उन पे बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। हो सकता है तो इस समय काल को आप आराम से पार कर दीजिए, जहाँ तक हो कोई इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा करने की कोशिश मत कीजिए, तो उससे आपका नुकसान बचेगा, तो नुकसान बचना भी एक प्रकार से फायदा ही है। प्रॉपर्टी डीलिंग में भी मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये समय वाद विवाद दे सकता है, ये समय आपको कष्ट दे सकता है, इसलिए उसको स्किप करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ठीक इसके बाद में जो सिचुएशन आएगी वापस कंट्रोल होने वाली आ जाएगी। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। आइए बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के व्यक्तियों को राशि से थर्ड हाउस में बृहस्पति का प्रवेश हुआ है। इस बृहस्पति के प्रवेश से उनके मित्रों की हानि हो सकती है, अर्थात मित्रता में कमी आ सकती है, सपोर्ट सिस्टम में कमी आ सकती है, जो उनका बाहुबल है, एनर्जी लेवल है, उसमें कमी आ सकती है, नेम फेम में कमी आ सकती है, और सबसे बड़ी बात कि छोटे भाई बहनों से जो स्थिति है उसमें मनमुटाव आ सकता है, सामंजस्य में कमी आ सकती है। राशि से थर्ड हाउस हमेशा मारक माना जाता है, क्योंकि वो एट्थ हाउस से वापस गिनने पर एट्थ आता है, एट्थ से एट्थ सबसे ज़्यादा मारक बोला जाता है। तो यहाँ पर बृहस्पति थर्ड हाउस का मालिक और सिक्स हाउस का मालिक है। थर्ड हाउस मारक है तो सिक्स हाउस रोग, कर्ज, कंपटीशन वगैरह ये सब देने वाली स्थिति में आता है। तो बृहस्पति यहाँ पर अनुकूल नहीं होकर के प्रतिकूल रिजल्ट देने की स्थिति में है। उस बृहस्पति की दृष्टि सेवंथ हाउस पर, भाग्य भाव पर और इलेवंथ हाउस पर है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका जीवन साथी है, जीवन साथी के साथ में मतभेद हो सकते हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ खराबी आ सकती है, साझेदारों के साथ में मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आएगा। जो आपका काम, जो आपका बिजनेस है, जो आपका क्षेत्र है, जो आपके एफर्ट्स हैं, जो भी आपका श्रम परिश्रम करते हैं, उसमें जरूर गेन की स्थिति बलवान होगी, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति भाग्य भाव को देख करके उसको एक्टिव करता है, तो भाग्य का फल आपको मिलेगा। धार्मिक यात्राएं जरूर सफल नहीं होगी, या फिर यात्राएं सफल नहीं होगी ये बोला जा सकता है। अब बृहस्पति सेवंथ हाउस को देखता है, नाइन्थ हाउस को देखता है, तो नाइन्थ हाउस को देख करके वो एक्टिवनेस देगा, अर्थात सक्सेस देगा। तो साथ में सेवंथ हाउस को देख करके बृहस्पति के सातवें घर पर दृष्टि होने से और इलेवंथ हाउस पर दृष्टि होने से वैवाहिक संबंध बनेंगे, अर्थात जो शादी के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं वो जरूर शादी फाइनल होगी, शादी फिक्स होगी, शादी की डेट फाइनल हो सकती है, ये स्थिति आ सकती है। संतान वाली सिचुएशन में भी मैं ये कह सकता हूँ, यदि संतान प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये समय सही है। ये समय में संतान प्राप्त होने से, कंसीमेंट करने से वो टाइम पीरियड और ज़्यादा बेटर है। संतान आपके लिए, संतान शुभ होने का संकेत है। अब बृहस्पति की दृष्टि इलेवंथ हाउस पर है। इलेवंथ हाउस गेन का है, एप्रिसिएशन का है, मान सम्मान का है, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि वो आय का है, और बृहस्पति फाइनेंशियल लॉर्ड है। बृहस्पति आपके जीवन में ग्रह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस, इन चार चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो साथ ही साथ आपकी बॉडी में एंजाइम्स को कंट्रोल करता है, स्टमक को, इंटेस्टाइन को, इन सब चीज़ को कंट्रोल करता है। औरतों में गर्भाशय का अधिपति, पुत्र संतान का कारक बृहस्पति, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का कारक बृहस्पति, और ज्ञान और बुद्धि का कारक भी बृहस्पति बोला जाता है। तो बृहस्पति की थर्ड हाउस में होने से जिन जिन भावों पर दृष्टियाँ हैं, उन भावों का फल आपको कुछ कम के साथ में, अतः सामान्य से कम की स्थिति में, लेकिन उसका लाभ जरूर होगा। लेकिन बृहस्पति जिस भाव में है, उस भाव का प्रतिफल आपको पूरा नहीं मिल पाएगा, अनुकूल की जगह प्रतिकूल भाव आपको मिलेगा, प्रतिकूल फल मिलेगा।
बृहस्पति थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस का मतलब ही पराक्रम है, तो पराक्रम की हानि हो सकती है, कोई बदनामी हो सकती है, कोई एलिगेशन आपके ऊपर आ सकते हैं, उस और आपको सावधान रहना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बात बहुत अच्छी है कि राशि से थर्ड शनि भी चल रहे हैं, जो कि सबसे अच्छी स्थिति में है, जो कि सबसे स्पीडली अचीवमेंट प्रोग्रेस देते हैं, क्योंकि 26 अक्टूबर 2017 को आपको शनि की साढ़ेसाती भी खत्म हो चुकी है और उसके ठीक बाद का समय सबसे तेजी से प्रोग्रेस का भी होता है। तो बृहस्पति यहाँ आकर के, शनि के साथ में आकर के प्रोग्रेस में कमी जरूर दे सकता है, लेकिन प्रोग्रेस को रोक नहीं सकता। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को राशि से सेकंड हाउस में बृहस्पति का राशि प्रवेश हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बतलाया हुआ है, राशि से सेकंड बृहस्पति हो, फिफ्थ हो, सेवन्थ हो, नाइन्थ हो, इलेवन्थ हो, सबसे ज़्यादा अच्छा फल देता है, आपको पॉजिटिव स्ट्रेंथ देता है, पॉजिटिव फल देता है, सक्सेस देता है। तो इस बृहस्पति के राशि परिवर्तन से सिक्स हाउस पर दृष्टि जाएगी, जहाँ पर कि बृहस्पति पॉजिटिव फल देगा। इस कुंडली आपकी राशि से एट्थ हाउस में बृहस्पति की दृष्टि जाएगी और साथ में टेंथ हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि जाएगी, गुरु की दृष्टि जाएगी। तो सबसे पहले बृहस्पति सेकंड हाउस में प्रवेश से ठीक बृहस्पति के कारण धन में वृद्धि होगी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी, संपत्ति में वृद्धि होगी, आपके कैश, सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड, शेयर्स, कमोडिटी मार्केट में, इसमें आपकी सिचुएशन और बेटर होगी, गेन बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका पोर्टफोलियो और ज़्यादा मजबूत होगा। सेकेंड हाउस ससुराल का भी है, ससुराल से संबंध अच्छे होंगे, ससुराल से मान सम्मान मिलेगा, धन प्राप्त होगा, या ये बोल सकते हैं यश प्राप्त होगा, कोई फंक्शन में जाने का लाभ हो सकता है, ससुराल की तरफ यात्रा करने का लाभ हो सकता है, ससुराल वालों से मिलने का संयोग हो सकता है, ये भी लाभ ही है। सेकेंड हाउस वाणी का भी है, तो सेकेंड हाउस ब्रेन पावर का भी है, सेकेंड हाउस खानदान का भी है, तो खानदान में आपकी इज्जत मान सम्मान बढ़ेगा, आपके धन और पेरेंटल प्रॉपर्टी में वृद्धि होगी, तो हो सकता है आप स्वयं भी इस समय काल में 29 मार्च 2019 से 23 अप्रैल 2019 तक कोई प्रॉपर्टी का क्रय करें, कोई प्रॉपर्टी की डील करें, ठीक, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी डील होगी, आपकी लाइफ टाइम अचीवमेंट वाली स्थिति आएगी। बृहस्पति की फिफ्थ दृष्टि कुंडली में सिक्स हाउस पर है, तो कुंडली में सिक्स हाउस पर दृष्टि होने से और बृहस्पति कुल मूल त्रिकोण राशि का है, राशि से सेकंड हाउस सबसे ज़्यादा पॉजिटिव स्थिति में है, इस कारण शत्रुओं पर आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शत्रु खुद संधि पर मजबूर होंगे, वो खुद आपको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, या ये बोल सकता हूँ कि सेटलमेंट की ओर अग्रसर होंगे और आपकी उस संबंध में भी विजय होगी। रोग वाली स्थिति में नियंत्रण आएगा, आपको आपके जो भी डिजीज हैं, जो भी प्रॉब्लम हैं, उनका सही इलाज मिलेगा, जो भी कोर्ट कचहरी चल रही, जो भी वाद विवाद चल रहे हैं, उसमें भी आपको कम एफर्ट में ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, या ये बोल सकता हूँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बृहस्पति की दृष्टि कुंडली में एट्थ हाउस पर है, एट्थ हाउस अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम का है, एक्सीडेंट का भी है, आयु से संबंधित निर्णय भी इसी हाउस से किए जाते हैं, तो बृहस्पति शुभ है, इसलिए वो नेगेटिव आपको फल नहीं देगा। आठ वगर मति का भी है, कॉमन सेंस का भी, समझदारी का भी है, और आठवां अगर सेकंड हाउस सप्तम स्थान से अगला भाव धन भाव भी है, तो आपको ग्रस्त सुख में लाभ की प्राप्ति होगी। जो व्यक्तियों को शादी नहीं हो रही है, उनको इस समय शादी होगी या विवाह होने के कारण उनको ग्रस्त सुख, दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा और वो उससे प्रसन्न होंगे, अर्थात जो आपने सोचा वैसा ही जीवनसाथी आपको प्राप्त होगा और सुखमय जिंदगी आरंभ होगी। अब बात करते हैं राशि से नाइन्थ अर्थात बृहस्पति की नवी दृष्टि आपकी राशि कुंडली से टेंथ हाउस पर पड़ रही है। ये जो हम विश्लेषण कर रहे हैं ये मून साइन के आधार पर है, बृहस्पति आपकी राशि से किस भाव पर जाकर के, कितनी डिग्री पर जाकर के क्या फल दे रहा है, यही बताना मेरा उद्देश्य है। तो राशि से टेंथ हाउस का मतलब है कर्म, टेंथ हाउस का मतलब है नौकरी, टेंथ हाउस का मतलब है जॉब, या जो भी आप एफर्ट करें, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कोई दुकान चला रहे हैं, आप फैक्ट्री चला रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, या कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, उस सिचुएशन में भी बृहस्पति आपको सपोर्ट करेगा, बृहस्पति आपको सक्सेस देगा, बृहस्पति आपको एप्रिसिएशन देगा, गेन देगा और एटमॉस्फेयर ठीक करेगा। सही आइडिया आने से, सही समय पर सही आइडिया आने से काफ़ी कुछ बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, काफ़ी कुछ बेटर अचीवमेंट और प्रोग्रेस मिलती है। तो बृहस्पति संतान का अधिपति भी है, बृहस्पति ग्रह सुख भी देता है, संतान सुख भी देता है,
फाइनेंशियल सुख भी देता है और मेंटल सुख भी देता है। तो ऐसे सिचुएशन में वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को शनि की साढ़ेसाती होने के बावजूद भी इस समय काल में बहुत अच्छा सुख मिलेगा, बहुत अच्छा उनको गेन मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। आइए अब बात करते हैं धनुराशि। आइए बात करते हैं धनुराशि की। तो धनुराशि के व्यक्तियों को राशि से फर्स्ट हाउस में बृहस्पति का प्रवेश हुआ है। उस राशि में बृहस्पति के प्रवेश के फलस्वरूप उनको भय की प्राप्ति होगी, मान हानि की प्राप्ति होने की संभावना है। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी से 29 मार्च 2019 से 23 अप्रैल 2019 तक का समय उनको व्यतीत करना ज़्यादा जरूरी है, अर्थात ध्यान रखना है। बृहस्पति लग्न में आने का अर्थ ये है कि चंद्रमा के साथ में जब बृहस्पति आएगा तो गोचर वसात आपको गज केसरी योग की प्राप्ति होगी। या ये बोल सकते हैं इस समय जो व्यक्ति पैदा होंगे इस बृहस्पति के काल में और इस समय काल में, उन व्यक्तियों को गज केसरी योग में जन्म होगा। गज केसरी योग का अर्थ यहाँ पर है कि जो लोग हाथी पर सवारी करते थे या हाथी पर सवारी करने वाली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, वो किसको हो सकती है? राजा महाराजाओं को, नवाबों को ये हो सकती है। लेकिन आज की तारीख में राजा महाराजा नहीं रहे, लेकिन हाथी जैसी गाड़ियाँ तो पाल सकते हैं, अर्थात बहुत एक्सपेंसिव व्हीकल लेकर के उसमें सफ़र करना गज केसरी योग वाली बात है। तो राशि में बृहस्पति आने से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी बुद्धि बल में वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही भय की प्राप्ति भी होगी। अतः कोई न कोई प्रॉब्लम से आप डरने लगेंगे और उस डर के कारण या कोई प्रॉब्लम के कारण हो सकता है आपकी बदनामी हो, अर्थात अपमान हो, ऐसी स्थिति आ सकती है। और उससे बचने के लिए बृहस्पति के उपाय कीजिएगा। जिन जिन राशि वालों को मैंने प्रतिकूल प्रभाव बतलाए हैं, यदि वो बृहस्पति से संबंधित उपाय कर सकते हैं तो उनको उस भावों के फल में कुछ कमी जरूर आएगी। उपाय करने से यही कुछ आपको मिल सकता है। उपाय करने से 100% की जगह आपको कम उस प्रॉब्लम की प्राप्ति होगी या कम आपको लॉस होगा, तो जितना लॉस कम होगा उतना आपको गेन ही है। और यदि फायदेमंद स्थिति है तब उस स्थिति में बृहस्पति का रत्न धारण करके उस फायदे को और बढ़ाया जा सकता है। तो बृहस्पति के लग्न में आने से, बृहस्पति की राशि कुंडली में फर्स्ट हाउस में आने से उसकी दृष्टि फिफ्थ हाउस पर जाएगी। फिफ्थ हाउस संतान का है, शिक्षा का है, आपकी बुद्धि बल का भी है। तो ऐसी सिचुएशन में जो विद्यार्थी है धनु राशि के, उन व्यक्तियों को एजुकेशन में अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और जो भी फाइनेंस के विद्यार्थी हैं, जो भी राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं, उनको भी इस समय बहुत अच्छा प्रसाद मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, यश का गुणगान होगा। अब बात करते हैं कि जो भी व्यक्ति इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, उनको जरूर सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस एग्जामिनेशन में। यदि आपके एग्जाम 29 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में होते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। यदि कोई कंपटीशन एग्जाम होते हैं, कोई इंटरव्यू होते हैं, स्विच ओवर करने की ट्राई कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि राशि से सेवंथ हाउस, अर्थात आपकी राशि कुंडली में सेवंथ हाउस पर है। सेवंथ हाउस का अर्थ ग्रह सुख है, सेवंथ हाउस का अर्थ साझेदारी है, व्यापार क्षेत्र भी है। तो उस सिचुएशन में बृहस्पति लग्नाधिपति होकर के मूल त्रिकोण राशि में स्थित होते हुए सेवंथ हाउस को देखने से आपके बिजनेस की वृद्धि होगी, ग्रह सुख में वृद्धि होगी, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। और जो व्यक्ति विवाह के लिए लालायित हैं उनका विवाह निश्चित होगा, अर्थात बृहस्पति शादी के मामले में सबसे ज़्यादा अपना रोल रखता है। कोई भी लड़की की कुंडली में ग्रह सुख के लिए बृहस्पति को देखना अनिवार्य है। बृहस्पति के शुभ होने से ही उसकी शादी हो सकती है, उसके संबंध बन सकते हैं। संबंध बनने का अर्थ यहाँ पे विवाह संबंध होने से है, सगाई होने से है, उसको ध्यान रखिएगा। संतान की बात आती है, संतान की बात के लिए भी बृहस्पति की ही अनिवार्यता रहती है। एक लड़के के लिए जरूर शुक्र का बलवान होना देखा जाता है, लेकिन एक लड़की के लिए, एक स्त्री के लिए, महिला के लिए बृहस्पति का बलवान होना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह सुख, संतान सुख, दाम्पत्य सुख, इन सब का आधिपत्य देवता है। तो सेवंथ हाउस में बृहस्पति के देखने से आपके साझेदारों के साथ में अच्छी पटरी जमेगी, उनके साथ सामंजस्य अच्छा होगा, ग्रह सुख अच्छा मिलेगा। और जो व्यक्ति शादी के लिए सोच रहे हैं उनका शादी संबंध फाइनल हो जाएगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की नाइन्थ हाउस पर दृष्टि से। बृहस्पति की नाइन्थ दृष्टि भाग्य स्थान पर है, तो भाग्य का फल आपको मिलेगा।
जो कोई कार्य में अड़चन है, जिस कार्य में बाधाएं हैं, वो भी पूरे होने की ओर आगे बढ़ेंगे। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है, और सबसे बड़ी बात कि भाग्यवशात ही अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है, भाग्यवशात संतान की प्राप्ति हो सकती है, भाग्यवशात आपकी वंश वृद्धि हो सकती है। ध्यान क्या रखना है आपको कि अपने खुद के कार्यकलापों पर आपको नियंत्रण रखना है। ऐसा नहीं हो कि कोई एक छोटे से कार्य से आपकी बहुत बड़ी बदनामी हो जाए, आपके ऊपर दोष लग जाए, ये नहीं होने देना है। और इसके लिए बृहस्पति के उपाय कीजिएगा। मैं कई बार बोला है, फिर एक बार फिर दोहराता हूँ कि जो भी आपकी परेशानियाँ हैं उनको झेलते नहीं रहना है, उन परेशानियों को हम तक पहुँचाइए। हम आपको बताएंगे कि ऐसी परिस्थिति में आपको करना क्या है। तो कई बार जो प्रॉब्लम होती है वो टेम्परेरी होती है, और व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होकर के नेगेटिव सोचने लग जाता है, तो नेगेटिव नहीं सोचना है। और जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ आपके साथ में नहीं हो रहा है, हमेशा 100 में से 40% जनसंख्या कोई न कोई समस्या से ग्रसित रहती है, प्रॉब्लम में रहती है। ऐसी ही ग्रहों की माया है। जो आज सुखी है वो कल दुखी हो सकता है, जो आज दुखी है वो कल सुखी हो सकता है, तो कल आपकी बारी आ जाएगी सुखी होने की। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। समय को सिर्फ और सिर्फ झेलना या समय को टालना, समय को फेस करना सीख लीजिए, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। हम इसी के लिए हैं, हमारा कार्य क्षेत्र भी यही है। तो आप ईमेल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से, या आमने सामने बैठ करके भी, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, तो वहाँ आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं। नहीं तो जोधपुर, जो मेन मुख्यालय हेड ऑफिस है, मेरे घर के दरवाजे, ऑफिस के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप कभी भी अपॉइंटमेंट लेकर के आइए, ताकि हम आपके जीवन पर विश्लेषण करें, आपकी जन्म कुंडली पर विश्लेषण करें, और निकालते हैं निचोड़ कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सब इतना सा सामंजस्य एडजस्टमेंट आपने सीख लिया तो आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। आइए अब बात करते हैं मकर राशि पर। मकर राशि के व्यक्तियों को राशि से 12th हाउस में बृहस्पति का प्रवेश हुआ है, जो कि शुभ नहीं कहा जा सकता है। बृहस्पति एक सात्विक ग्रह है, और यहाँ पर धनु राशि 12th हाउस में और मीन राशि है वो कुंडली में 3rd हाउस में है, तो दो मारक भाव, दो कष्टप्रद भाव में बृहस्पति की स्थिति मानी जाएगी। तो बृहस्पति राशि से 12th आकर के आपको, आपका कॉन्फिडेंस कम करेंगे, आपकी यात्राओं को व्यर्थ में उसका परिणाम देंगे, अर्थात यात्राएं सक्सेसफुल नहीं रहेंगी, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या ये बोल सकते हैं पैसा फंसने के चांसेस हो जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और फालतू के इन्वेस्टमेंट से बचना है। कई बार ये होता है कि लोग एक दूसरे की जस्ट देखने से, उसको गेन हुआ है इसलिए मुझे भी गेन हो सकता है, मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, शेयर में आप कूदना चाहिए, कमोडिटी मार्केट में कूदना चाहिए, ऐसी सिचुएशन से अपने आप को दूर रखें। जब तक आपको समझ में नहीं आए तब इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। इन्वेस्टमेंट हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार कीजिए, जो आपको सही लगता है वो इन्वेस्टमेंट कीजिए, और नहीं तो पारंपरिक इन्वेस्टमेंट, हमेशा सोना चांदी में, उसमें इन्वेस्टमेंट करना, गहनों में इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना सदैव सही है, क्यों हर किसी को गेन शेयर में हो जाए ये जरूरी नहीं है। एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हो सकते हैं, ये मैंने बतलाया है। इन्वेस्टमेंट में आपको ध्यान रखना है। यात्राएं आपको जहाँ तक हो बहुत सोच समझ के करनी है, क्यों यात्राओं में आप खुद भी दुखी हो सकते हैं और यात्राओं का जो रिजल्ट है वो भी संतोषप्रद नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत केयरफुल रख करके इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो समय है फाइनेंशियल ट्रबल को जन्म देगा, फाइनेंशियल वरीज देगा। अब बृहस्पति की दृष्टि कुंडली में 4th हाउस पर है, 4th हाउस भूमि, वाहन, वाहन माता का है, तो बृहस्पति उस भाव को देख करके उस भावों के फल में कमी करेगा। माता के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है, माता से मनमुटाव हो सकता है, ठीक, माता के लेकर के आपकी चिंता और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो वाहन खराब हो सकता है, और ऐसे समय में नया वाहन लेने से बचना चाहिए। भूमि, भवन, जहाँ तक यदि कोई डील हो रही है प्रॉपर्टी की, तो इस समय को टालना चाहिए। जहाँ तक हो सिचुएशन को 23 अप्रैल तक आगे बढ़ा दीजिए, उसके बाद में निर्णय कीजिए। तो भूमि, भवन, वाहन का ठीक स्वामी आपकी कुंडली में मंगल है, तो यहाँ पर बृहस्पति मंगल के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि शुभ नहीं है। अब बात करते हैं बृहस्पति की सातवीं दृष्टि, 7th दृष्टि कुंडली में 6th हाउस पर है। 6th हाउस रोग का है, कर्ज का है, कंपटीशन का है, वाद विवाद का है, क्लेश का है, तो
तो बृहस्पति उस भाव पर दृष्टि डाल करके उनको एक्टिव कर सकता है। इसलिए हेल्थ पर आपको कंट्रोल करना है, और स्पेशली जिन लोगों को डायबिटिक है, जिन लोगों को हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, थायराइड से प्रॉब्लम है, या एंजाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बृहस्पति सबसे ज़्यादा पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। जो आपके शरीर में जो भी आप खाना खाते हैं पचने के लिए, जितने एंजाइम्स या हार्मोन बनते हैं, उनका स्वामी बृहस्पति है। इसलिए पाचन तंत्र से संबंधित सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना है, सावधान रहना है। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है तो उसको आगे बढ़ा देना, टाल देना आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगली डेट ले लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। वरना उस समय फेस करके आप टेंशन और ज़्यादा बढ़ा लेंगे, आप परेशान हैं और ज़्यादा परेशानी की ओर आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, तो उस सिचुएशन को टालना है। राशि से एट्थ हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि है। एट्थ हाउस आयु का भी है, एट्थ हाउस मति का भी है, और एट्थ हाउस एक्सीडेंट का भी है, और अनएक्सपेक्टेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो एट्थ हाउस है। लेकिन साथ ही साथ बाहरी संबंधों से जो लाभ होता है वो भी एट्थ हाउस है। इसलिए एट्थ हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि के कारण आपको बाहरी व्यक्तियों पर बहुत ज़्यादा सेफ रहना है, बहुत ध्यान रखना है, उनके जाल में नहीं फंसना है। ठीक, वरना एक छोटे से प्रॉफिट के कारण आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं, बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए उसको अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। एक्सीडेंट की होने की संभावना नहीं है, फिर भी हेल्थ प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, और जहाँ तक हो अपने बुद्धि कौशल पे भरोसा करना है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अपने आप को सही समझते हैं लेकिन होते गलत हैं। तो कई बार दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, अपनी पत्नी से, जीवनसाथी से आप विचार विमर्श कर लीजिए, निर्णय ले लीजिए, उसके बाद में आप उचित निर्णय लें, यूनानिमसली निर्णय लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि उसमें आपकी बुद्धि के साथ में दूसरे की बुद्धि का भी इस्तेमाल यहाँ पे हो गया, और सबने मिलकर के जो निर्णय लिया वो परिवार के हित में ही रहेगा। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो जैसा कि मैंने आपको कई बार बतलाया, राशि से सेकंड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ और इलेवंथ जब जब भी बृहस्पति आएगा तब सबसे ज़्यादा शुभ परिणाम देगा, सबसे ज़्यादा गेन देगा, एप्रिसिएशन देगा, सक्सेस देगा। तो ये स्थिति आपकी है। जो कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं उनको राशि से इलेवंथ हाउस में बृहस्पति का राशि प्रवेश हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा आपके लिए बेटर है। चाहे छोटी अवधि ही है, 29 मार्च 2019 से लगा करके 23 अप्रैल 2019 तक बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है, जो कि अतिचारी बृहस्पति है। सामान्य तौर पर बृहस्पति 13 माह तक रहता है एक जगह, लेकिन इस बार ग्रह परिस्थिति के कारण ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते हुए अगली राशि में पहुंच रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 25 दिन तक ही रहेगी। लेकिन इस 25 दिन में भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, अनएक्सपेक्टेड गेन होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बलवान हैं। तो इलेवंथ हाउस एप्रिसिएशन का है, इलेवंथ हाउस यश का है, इलेवंथ हाउस गेन का है, सक्सेस का है, जो भी आप एफर्ट करते हैं उसकी सक्सेस का है, और सबसे ज़्यादा आय का है। जो भी पर्सन, जो भी कुंभ राशि के व्यक्ति हैं वो स्विच ओवर करना चाहते हैं अपनी जॉब की, तो ये समय उनके लिए उचित है, सही है, उनको जॉब परिवर्तन करना शुभ रहेगा। जो कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत समय से सब सोच ही रहे हैं मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, फ्लैट लेना है, या गोल्ड बनाना है, या घर में कोई फंक्शन होने वाला है उसके लिए तैयारी करनी है, तो यह शुभ समय है एक्सपेंसेस करने का, इन्वेस्टमेंट करने का भी। यह समय है संतान प्राप्ति का भी। जिन व्यक्तियों को संतान की कामना है उन व्यक्तियों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि कुंडली में सेवंथ हाउस, सातवीं दृष्टि आपकी राशि कुंडली में फिफ्थ हाउस पर भी है। इस बृहस्पति के राशि प्रवेश से आपकी राशि कुंडली में थर्ड हाउस पर, फिफ्थ हाउस पर और सेवंथ हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि पॉजिटिव पड़ेगी। इसके परिणाम स्वरूप, इसके फल स्वरूप आपको नेम फेम मिलेगा, आपकी गुडविल बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और छोटे भाई बहनों से रिश्ता भी बढ़ेगा, अच्छा मान सम्मान आपको मिलेगा, तो साथ ही साथ बड़े भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि इलेवंथ हाउस बड़े भाई बहनों का भी है। इलेवंथ हाउस आपके पुत्रवधू या दामाद का भी है, वहां से भी आपके संबंध अच्छे होंगे, वहां से भी आपको यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अब थर्ड हाउस यात्राओं का भी है, फॉरेन विजिट का भी है। जो लोग विदेश यात्रा के लिए सोच रहे थे या वीज़ा के लिए सोच रहे थे, इस टाइम पीरियड में वीज़ा अप्लाई कीजिए, तो हो सकता है संभावनाएँ ज़्यादा हैं कि आपको वीज़ा लग जाए, आपका काम हो जाए।
फिफ्थ हाउस शिक्षा का है, एजुकेशन का है, प्रतियोगिता का है, बुकिश नॉलेज का है, संतान प्राप्ति का है, एप्लीकेशन का है, और साथ ही साथ डे टू डे की इनकम का भी है। तो ये समय में जो भी आप प्रयास करेंगे इनकम बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल गेन के लिए, वो सक्सेस होंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे, यदि आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो बहुत बेटर होने वाला है, इंटरव्यू बहुत बेटर होने वाला है, नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति बहुत ही गेन देने वाली सिचुएशन में, और बृहस्पति फाइनेंशियल लॉर्ड है। शादी के संदर्भ में भी ये बृहस्पति बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जिन बच्चों की शादी नहीं हो पाई है, जो शादी के लिए ट्राई करें उनके घर वाले, तो ये समय ऐसा है जहाँ पर आपको आपका जीवन साथी मिल पाएगा, शादी संबंध आपके फाइनल हो पाएंगे, शादी की डेट निकल जाएगी। उससे ज़्यादा बेटर और आपके लिए क्या हो सकता है। यह समय आपके लिए बहुत शुभ है, इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए इस समय का, चाहे वो छोटा ही समय है, लेकिन मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि छोटा सा समय आपके लिए ट्रेलर है, क्योंकि असली पिक्चर आगे है। 5 नवंबर 2019 से 20 नवंबर 2020 तक बृहस्पति वापस यहाँ पर आने वाला है। ये ट्रेलर अगर अच्छा है तो आगे की पिक्चर कितनी अच्छी होगी, ये सिर्फ आज की तारीख में आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। और आपका समय अच्छा है और आगे आने वाला समय भी अच्छा है, तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि इस समय राशि से 11th शनि भी आपको सबसे ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे रहा है, आपको सबसे ज़्यादा बेटर गेन दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड गेन के साथ में अचीवमेंट और प्रोग्रेस। ठीक इसके बाद में 24 जनवरी 2020 को शनि की 7.5 लग जाएगी। नेचर का प्रिंसिपल है, जब व्यक्ति को संघर्ष देना है उससे ठीक पहले वो उसको पीक पर ले जाती है, एक्सट्रीम सक्सेस पर ले जाती है, उसके बाद में डाउनफॉल दिखाती है। तो ये समय आपके लिए एक्सट्रीम सक्सेस का है, तो आपको सावधान भी होना है, लेकिन इस समय का फ़ायदा भी उठाना है। आपके पास में 2019 पूरा पड़ा है, उसका अच्छे ढंग से इस्तेमाल कीजिए। आपके लिए ये समय हमेशा यादगार रहेगा, आपके जीवन का माइलस्टोन ये समय काल रहेगा। 2019 को आप जीवन भर याद रखेंगे। आइए अब बात करते हैं मीन राशि पर। आइए बात करते हैं मीन राशि पर। मीन राशि वाले व्यक्तियों को राशि से 10th हाउस में बृहस्पति का राशि प्रवेश हुआ है। सामान्य तौर पर बृहस्पति एक राशि पर 13 माह तक रहते हैं। 11 अक्टूबर 2018 को ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ था। आपने देखा होगा कि आपकी राशि से बृहस्पति वृश्चिक राशि में आकर के क्या फल देंगे, लेकिन बहुत ही जल्द ये 29 मार्च 2019 से लगा करके 23 अप्रैल 2019 तक बृहस्पति अतिचारी होते, अतिचारी का अर्थ है बहुत तेज़ी से अपनी स्पीड को पार करते हुए अगली राशि में आ रहे हैं। तो 29 मार्च को बृहस्पति धनु राशि में आने से आपकी राशि से 10th हाउस में आएंगे, और उस 10th हाउस में आने से बृहस्पति आपको क्या परिणाम देंगे, क्या फल मिलेंगे, क्या अच्छा या क्या बुरा हो सकता है, और क्या सावधान रहना चाहिए, यही बताने का मेन ऑब्जेक्ट हमारा है। तो राशि से 10th बृहस्पति आते ही सबसे पहले हेल्थ में प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की 9th दृष्टि 6th हाउस पर है। बृहस्पति राशि से 10th हाउस में शुभ फल देने वाला नहीं माना जाता है। बृहस्पति की दृष्टि कुंडली में 2nd हाउस पर, 2nd हाउस को आप फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का बोलते हैं, धन का बोलते हैं, प्रॉपर्टी का बोलते हैं, ससुराल का बोलते हैं, और साथ ही साथ बृहस्पति की 7th दृष्टि कुंडली में सुख भाव पर है। भूमि, भवन, माता, जो भी आप सुख की कल्पना करते हैं वो कुंडली में 4th हाउस से है। 4th हाउस का अर्थ यहाँ पर हृदय से है, आपके दिल से है, तो जो दिल को अच्छा लगता है वही सुख होता है, वही आपकी शांति होती, वही आपके जीवन को भाता है। तो बृहस्पति के राशि में 10th आने से सबसे पहले आपको आपके जो बिजनेस है, आपका जो कर्म है, आपकी जो नौकरी होती है, जो भी आपका कार्य व्यवसाय है, जो भी आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है, वर्किंग क्षेत्र है, उसमें ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उसमें आपको जो भी काम आप करेंगे उसमें लेट लतीफ़ी आएगी, आपको खुद को फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी लेवल आपका बढ़ जाएगा, इरीटेशन आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी स्मूथ चल रहा था उसमें ऑब्स्टिकल्स आने से आपकी स्पीड प्रभावित हो जाएगी, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, और काम लेट लतीफ़ी से पूरे होंगे, और कई बार काम पूरे भी नहीं होकर के अटक जाएंगे।
अब बृहस्पति 10th हाउस में होने से उसकी दृष्टि 2nd हाउस पर है, 2nd हाउस प्रॉपर्टी का भी है, इन्वेस्टमेंट का भी है, तो बहुत ही ध्यान रखते हुए आपने इन्वेस्टमेंट करना है। और यदि आपके दिमाग में कहीं प्लानिंग चल रही है कि इस इन्वेस्टमेंट को निकाल देना चाहिए, उसको कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि इस संबंध में थोड़ा सा ठहर जाइए, 23 अप्रैल तक का वेट कर दीजिए, उसके बाद में डिसाइड करिएगा, उसके बाद में डिसीजन लीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा, ज़्यादा गेनफुल हो पाएगा। वरना इस डीलिंग में आपको नुकसान होने की संभावना या पैसा फंसने की संभावना ज्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि पैसा आपको जो मिल जाए वो कहीं और इन्वेस्टमेंट करें और वो पैसा ही लॉस हो जाए या टोटल आपकी प्रॉब्लम में बदल जाए। इस समय ससुराल से संबंध कटु हो सकते हैं, ससुराल से संबंध सामंजस्य एडजस्टमेंट नहीं बैठ पाएगा, इसलिए भी जहां तक हो सके सिचुएशन को टालने का प्रयास करें। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब हम कोई बातचीत करते रहते हैं तो उस समय लड़ाई झगड़ा भी बढ़ सकता है और बातचीत से ही समस्याओं का हल भी निकलता है, लेकिन जब समय प्रतिकूल हो तो वहाँ जाकर के डिस्कस करने से, वहाँ जाकर के संबंधों को ठीक करने का प्रयास करने की जगह उल्टा हो जाएगा। कई बार हम आवेश में क्रोध में ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि हम वापस रिपेयर नहीं कर पाते, रिकवरी नहीं कर पाते। इसलिए इस समय को टाल देना ज़्यादा बेटर है, नेगेटिव समय को हमेशा टाल देना चाहिए। अब बृहस्पति की 9th दृष्टि कुंडली में 6th हाउस पर है। 6th हाउस कंपटीशन का है, 6th हाउस रोग का है, कर्ज का है। यदि कोई कर्ज लेने की और ट्राई करना चाहता है, बैंक से लोन लेना चाहता है और कई समय से उसको लोन नहीं मिल पा रहा है, तो ये समय उनको लोन तो मिल सकता है, लेकिन लोन आपने बहुत सोच समझ करके लेना है कि यदि ज़रूरत है उतना ही लोन लेना है, वरना लोन का पैसा भी आप कहीं और फंसा करके व्यर्थ में समस्याएं और घेर लेंगे। क्योंकि इनकम के साथ साथ में ये लोन वाली समस्याएं भी आपको फेस करनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी। हेल्थ में आपको ध्यान रखना है, कोर्ट कचहरी के मामले में जहाँ तक हो उसको अगली डेट तक पोस्टपोन करिए या जहाँ तक हो सके कोई भी मीटिंग करने से बचिए, क्योंकि एडजस्टमेंट या जो भी आपको समझ से बिठाना है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना है, उसके लिए भी थोड़ा सा आगे चले जाइए, 23 अप्रैल के बाद की कोई डेट फिक्स कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिन जिन राशियों को भी मैंने प्रतिकूल परिणाम बतलाए हैं, उन व्यक्तियों को मैं सलाह दूंगा कि वो बृहस्पति का उपाय करें, बृहस्पति के दान करें, बृहस्पति की पूजा उपासना कर सकते हैं। उपाय के रूप में क्या कर सकते हैं ये इस एपिसोड के एंड तक देखते रहिए। अब मैं आपको उपायों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ।